नमस्कार किसान भाई साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का धरला मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विष्णु पाटीदार। दोस्तों आइए हम आज का एक नया शेयरिंग करेंगे और आज आपको ऊँटी के मल्चिंग की जो क्वालिटी किसान भाई ने लगाई है गांव मजेसरा में, इनसे हम मुलाकात करेंगे। सबसे पहले इनका पूरा परिचय जानेंगे, इन्होंने कितने बीघा में ऊँटी गार्लिक लगी है, इनका पूरे विश्लेषण का पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। भैया क्या नाम है अपना, पूरा पता बताइएगा। मेरा नाम है विनोद पाटीदार जी। पिताजी का नाम रामबिलास जी पाटीदार, ग्राम मजेसरा, तहसील दलौदा, जिला मंदसौर जी। ये मल्चिंग का जो आपने लगाने का आपकी बार जो आपने निर्णय, पहले भी लगाया मल्चिंग? नहीं, ये फर्स्ट बार। फर्स्ट बार पहले ऊँटी कैसे लगे आपने, कैरी के अंदर? कैरी के अंदर पहली बार लगाया आपने मल्चिंग में? पहली बार लगे। तो भैया आपने पहली बार जो लगाया, इसका विचार कैसा है आपके मन में कि हमें कैरी के बजाय हमें मल्चिंग पे लगाना ठीक रहता है, क्वालिटी में कुछ बदलाव लाने की आपने कोशिश की, तो उसका कुछ नजरिया किसान भाइयों को बताइएगा। सबसे पहले तो ये है कि पहले कैरी में लगाते थे जी, मल्चिंग का विचार आया कि यूट्यूब पे देखा कि मल्चिंग की खेती कैसे करें, तो उसको पूरा समझा। उसके बाद कि क्वालिटी ऐसी बनती है और वो भाव में भी अच्छी बिकती है, तो इस बार मूड हुआ कि लगा ले, तो फिर इस फर्स्ट बार ये मल्चिंग की खेती, फर्स्ट बार मल्चिंग लगाया। अब भैया आपने इसको पूरी तरह से खेत को शुरू शुरू में तैयार हो गया होगा, सोयाबीन की जगह लगाया फिर खाली थी? सोयाबीन की जगह, सोयाबीन की जगह आपने लगाया, तो इसको पूरी तरह से खाद बीज तो हर किसान भाई उसको पर्याप्त करते ही हैं। आप इसके अंदर एक ऐसी चीज बताइएगा ताकि एक छोटा से छोटा किसान भाई अगर ऊँटी की खेती करना चाहता है, किसी भी प्रकार की अगर खेती करना चाहता है लहसुन की जानकारी, तो दोस्तों उसमें वो छोटा से छोटा अगर किसान भाई हो तो अगर उसके पास में हो सकता है कि वो ज्यादा खाद बीज ना डाल सके, ज्यादा पर्याप्त, लेकिन एक व्यवहारिक चीज उसकी लहसुन की साइज बन जाए अगर छोटा किसान, बाकी अगर पर्याप्त मात्रा में अगर किसान भाई खर्चा करने वाला, अगर उसको एक अच्छी क्वालिटी चाहिए तो वो तो भरपूर खर्चा करेगा ही सही। तो आज का ये प्लाट आपने सबसे पहले कितने बीघा में लगाया है? ये लगभग 3 बीघा का प्लाट है। 3 बीघा का प्लाट, 2.5 से 2.5 बीघे के लगभग में ऊँटी है जी। आधा बीघा का वो देसी है, आधा बीघा का देसी। तो इसमें ऊँटी पूरे मल्चिंग? हाँ पूरे मल्चिंग। आपने कैरी के अंदर इस बार लगाया? हाँ कैरी के अंदर भी लगाया ना, इसी का माल? हाँ इसी का। तो उसके अंदर जो डंठल है वो और जो कैरी के अंदर डंठल आप अभी लहसुन खड़ा है उसमें दोनों में क्या फर्क है? साथ में ही लगाया आपने माल? नहीं, वो अपना 12 सितंबर का था, 12 सितंबर का, और ये है 15 अक्टूबर, लगभग एक महीने का अंतर है। तो आपने डंठल में कुछ डिफरेंस आपको लग रहा होगा उस टाइमिंग के अनुसार? मल्चिंग का तो मतलब डंठल वगैरह सब अलग ही है, अलग अच्छी है। मतलब ग्रोथ भी अच्छा है, पिलासमन भी नहीं है इसमें जी। तो अगर आपने इसको शुरू शुरू में लगाया, कौन सी कलियां आपने लगा रखी है आपकी बार इसके अंदर, व्हाइट या गुलाबी? व्हाइट भी है, गुलाबी दोनों है, दोनों कलियां। हाँ। तो दोनों कली में ये इसी के प्लाट में ही? हाँ, आधे आधे दोनों में। हाँ। तो व्हाइट कली में और गुलाबी कली के चलन में किस प्रकार का डिफरेंस आपको? दोनों में चलन में तो बढ़िया, अच्छा दोनों में बढ़िया है। तो आपको लगता है कि सफेद कली और ये व्हाइट गुलाबी कली जो आपने लगाई है इसके अंतर्गत माल को निकलने में किस प्रकार का हो सकता है? आपने पहले भी लगाया ऊँटी? पहले तो कैरी में लगाया था, कैरी में लगाया तो व्हाइट तो लगाते नहीं, वो गुलाबी लगाते, गुलाबी लगा। अब की बार आपने दोनों लगाने का वो तो क्या है? वो 12 सितंबर को लगाया था, उसमें से बच गया था। तो इस पूरे जो मल्चिंग आपने लगाया इसके अंदर कितनी कली आपने लगाई है, कितने किलो लगाई कली इसमें? लगभग है ना 3 क्विंटल। 3 क्विंटल कली में आपने पूरा लगाया। तो भैया जैसे कि हम देखते हैं कि किसान भाई अगर जिले के माध्यम से अगर अपन खेती करते हैं तो बहुत सी जगह अपन देखते हैं कि अगर लगाने में माता बहने अगर उसकी जो लगाने की होती एक हाथ गाड़ कहीं कहीं छूट जाती है, तो इसमें भी अगर आपको उसको देख तो पाते ही नहीं कि अंदर कली है कि नहीं, तो आपने उसका अनुमान किस प्रकार से लगाया? इसमें भी है तो कहीं कहीं की छेद है जैसे। हाँ ये तो छूटता है, कैरी में छूटता है तो इसमें छूट जाता है, छूट जाता है। स्टार्टिंग बार है। हाँ। अगली बार पूरा मतलब इसका ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे। हाँ। तो ये फसल अभी जो खड़ी है कितने टाइम का हो गया? ये लगभग 80 दिन के हो गए, 80 दिन के। हाँ। लगभग हो चुकी है। आपने 15 अक्टूबर को इसको लगा दिया है और अभी तक की टाइमिंग के अनुसार किस प्रकार एक मिनिमम से एक ऐसी चीज बताइएगा किसान भाइयों को ताकि उनका खर्चा, तो ये है कि अगर आपको क्वालिटी अगर चाहिए तो खर्चा तो आपको भरपूर करना ही पड़ेगा उसके अंदर। तो आज आपको ये बताइएगा कि एक अच्छी क्वालिटी अगर लहसुन किसान भाई अगर कोई बनाना चाहता है, एक छोटा किसान भाई अगर हो तो उसके लिए कोई खाद भी जैसा बताइएगा ताकि वो एक क्वालिटी, ठीक ठाक क्वालिटी अगर मंडी के अंदर लेकर आ सके, एक अच्छा भाव मिल सके उसको। खाद बीज तो अपने देसी खाद, हाँ, वो अगर पर्याप्त मात्रा में डाल दो, हाँ, और रासायनिक खाद की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ वो तो जो रासायनिक खाद तो अपने समय समय पे जो देते हैं पानी पिलाने में वो तो देना ही है, लेकिन आपने अगर इस 3 बीघा में कितना खाद डाला? मैंने 7 ट्राली देसी खाद डाला था। 7 ट्राली इससे पहले ही आपने डाल दिया? हाँ, और उसके गर्मी बाद में डाल दिया था, गर्मी उसके में बाद डाल दिया हुई थी जी। हाँ। तो आपके इसके अंदर जो आपने ड्रिप बिछा रखी है, हाँ, अंदर, तो उसकी जो सिंचाई है
वो अभी तक कितने कितने टाइम में आप करते हो ताकि पूरी तरह से लहसुन को पर्याप्त पानी मिल जाए? स्टार्टिंग में पहले 10-12 दिन में चौपाई की, उसके बाद 10-12 दिन में करते रहे। अभी करते रहे। हाँ, दो सिंचाई हो गई 20 दिन गेंदे तो के। पहले आपने कम अंतराल में सिंचाई की, उसके बाद में आप कितने अंतराल में आप इसके अंदर सिंचाई करते हैं? अभी तो 20-20 दिन। 20-20 दिन। तो हाँ, 20-20 दिन के अंतराल में आप कितने घंटे इसके अंदर मोड चलाते हैं? ये लगभग पूरा ये 3 बीघा का है, 4 पार्टेशन में चलता है। 4 पार्टेशन में हाँ, अलग तो अलग लगभग 4-4 घंटे एक एक में। हाँ, एक एक में लगता है। काफी अच्छी हाइट किसान भाई आप देखेंगे लहसुन की जो बनी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ तक की हाइट जो कि आपको देखने को मिलेगा, और पूरा प्लाट जो आपको एक जैसा देखने को मिलेगा जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। और पौधा जिस प्रकार का बना है, एक अंगूठे की साइज का पौधा अभी तक यहाँ पर बन चुका है दोस्तों, और 80 दिन इसको लगभग 75-80 दिन इसको हो चुके हैं दोस्तों। जिन किसान भाई के खेत पर मैं खड़ा हूँ, विनोद जी पाटीदार, गाँव मजेसरा, और काफी अच्छी क्वालिटी यहाँ पर है। भाई साहब, आपके गांव में अभी तक किसी के पास में मल्चिंग की खेती इस साल किसने नहीं, की है? किसी ने ये फर्स्ट बार मैंने फर्स्ट की बार है। आपने की। और आपको अगर अगर आपको ये किस प्रकार से लगा, आप अगले साल भी इसी प्रकार की खेती नहीं, करना हाँ, चाहेंगे? ये मतलब क्यारी की तो बहुत करना ही नहीं, खेती मल्चिंग पे ही करूंगा मैं। मल्चिंग पे ही आप खेती करेंगे, खासकर ऊटी? उठी, तो हाँ, आपने देसी भी मल्चिंग पे लगाया है आपकी बात, तो देसी इस पे थोड़ा सक्सेस नहीं। देसी सक्सेस नहीं, ऊटी हाँ, पूरा? उठी पूरा ऊटी सक्सेस है। पूरा सक्सेस है। तो भैया आपने जो इसमें लगाया, भैया कैमरामैन साहब आपके वहां पे थोड़ा कैमरा नीचे करके, इसमें जो आपने पूरी इस मल्चिंग से लेकर वहां तक जो एक गाड़ में कितनी कली आपने लगाई है इसके अंदर? ये खड़ी में तो 7 लाइन है जी और 7 ही 6 इधर। हाँ, साथ ही और इसका साइड का डिस्टेंस साइज का 6-6 इंच। 6-6 इंच का डिस्टेंस आपने हाँ, रखा है, तो इसके अंदर जो आपने ड्रिप लगाई है वो कितने डिस्टेंस पे है, मतलब एक से उसकी और उसकी दूरी कितनी है एक वॉल्व की टपक के? ये लगभग 1 फीट इधर छूट रहा, फिर एक है, 1 फीट और है ना, 1 फीट साइड में 2 नली डाल रखी है इसमें। 2 नली इसके अंदर हाँ, आपने डाल रखी। ये पूरी गला कितने फीट की है? ये 1 मीटर की है, 1 मीटर की पूरी, यानी कि 3 फीट 3 इंच, 4 फीट का 4 फीट। है। हाँ, था है मतलब, हाँ, तो थोड़ा नीचे भी दोनों तरफ भी मुड़ जाता। और काफी अच्छी साइज दोस्तों जो आपको देखने को मिलेगा। हाइट भी पूरी तरह से एक अच्छी साइज हाइट है, यहाँ तक आप देखेंगे इतनी हाइट है, मैं खड़ा हूँ आपको बता ही रहा हूँ, और यहाँ से पौधे से मैं आपको बता देता हूँ, ये इस प्रकार की हाइट आपको देखने को मिलेगी। और अभी तक की देखने के अनुसार काफी अच्छी ग्रोथ लहसुन ने कर रखी है। तो भाई साहब, आप इसके अंदर से जो लहसुन का उत्पादन अगर पिछले साल आपको देखने को मिला, उसकी अपेक्षा इस बार किस प्रकार का होने की आपको संभावना, अभी तक की टाइमिंग के अनुसार, अभी तक जो लहसुन आपका चल रहा है इसके अनुसार? इसके अनुसार तो फर्स्ट बार किया मल्चिंग पे, हाँ, बताते 20-22 क्विंटल 25 क्विंटल भी होता है, लेकिन इस बार आपने आपने ने बोया है तो मालूम पड़ेगा कितना अब निकलेगा। मालूम पड़ेगा। हाँ, तो भाऊ जी, इसमें आपने किस प्रकार के कितने कितने स्प्रे आपने कर दिए हैं? दो स्प्रे कर दिए इसमें। दो स्प्रे कर दिए। कौन कौन से किए, हल्की सी जानकारी किसान भाई तक? फंगिसाइड और ये इसमें थ्रिप्स वगैरह के डाल बस। ट्रिप्स का स्प्रे हाँ आपने कर दिया, एक हाँ नॉर्मल किया या हाई वाला? नहीं, दोनों थोड़ा अच्छा वाला ही किया था। अच्छा वाला किया, हाँ, ठीक ठाक। तो ये भैया जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा एरिया में कैमरा आप घुमा दीजिएगा कि जो 3 बीघे की किसान भाई ने यहाँ पर जो ऊँटी लहसुन लगाई है, मल्चिंग की शानदार क्वालिटी, तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से। और हल्का पीलापन मामूली होता है, लेकिन उस प्रकार की जो लहसुन बाकी जो किसान भाइयों की जानकारी जो मिलती है, वो बाकी जो किसान भाइयों के पास में उस प्रकार का प्लाट होता है, उससे तो काफी अच्छा प्लाट हमें देखने को मिला दोस्तों, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। और मल्चिंग पर पूरी तरह से किसान भाई ने लगा है, और साथ साथ कली किसान भाई बता रहे हैं कि 1 गाय में 7 कली हमने लगाई है, और लगभग लगभग 6 इंच का डिस्टेंस में रखा। तो भैया ये जो आपने ये छेद है, ये डायरेक्ट आप ऐसा ही लेके आए, आपने छेद किए हैं इसके नहीं, अंदर? ये कंपनी से डायरेक्ट छेद किए हुए कंपनी से छेद किए मैंने। हुए आए? तो ये आपको लगता है कि कब तक ये फसल पूरी तरह से पक्का है, कितना टाइमिंग लगेगा इस तरह आपको? टाइमिंग तो यूं मान लो कि 40-45 दिनों। 40-45 दिन और इसके अंदर आपको लगेंगे? हाँ, और लगभग फरवरी एंड। बाकी और आपने रासायनिक खाद के रूप में क्या क्या दिया इसके अंदर? रासायनिक में तो इसमें 2 कट्टा अपने 12-32 16 इपको, हाँ, और केवल का आता है कॉम्बो किट, तो उसमें 10 तरह के वो न्यूट्रेंट रहते हैं सब, तो ये जिंक लगाने बोरान के सल्फर। कितने दिन बाद दिए आपने? नहीं, वो तो पहले अपने 4 हकई की, उसके बाद रोटावेटर किया, हाँ, उसके बाद खाद डाल के ने मर्चिंग बिछा दी। मल्चिंग बिछा दी हाँ, जी। तो उसके कितने बीच में फिर दिया उसके बाद में? नहीं, उसमें बीच में तो सब लिक्विड में आता, माइक्रो न्यूट्रन वगैरह, गुन्नीस गुन्नीस और ये दिए। हाँ, उसी के साथ, उसी के बाकी साथ, बाकी और कुछ नहीं दिया उसी इसके के अंदर साथ उसमें फंगस का भी आता है, जी? 2 बार वो भी दिया। हाँ, तो मल्चिंग में जो ड्रिप है, इसके साथ में कोई खाद बीज ये दवाई हवाई आपने लगाई इसके अंदर कि नहीं, जरूरत ही नहीं है कि अभी ड्रिप पहले, के साथ? हाँ, हाँ, पहले तो वो रासायनिक खाद ही डाला था बस।
बस इसी के साथ बाकी आपने फूका विधि से ही हाँ सब फूके दिया आपने फूके इसके दिया, अंदर हाँ ताकि पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। मिल जाए बस, उसके बाद बेड निकाल दी, और इसके अंदर कितनी नली आपने लगा रखी है? दो नली। दो नली। हाँ बाकी जो आपको पूरा खर्चा जो 1 बीघा में मल्चिंग का आता है वो कितना आता है? ये लगभग ड्रिप प्लस मल्चिंग और ये अपने ट्रैक्टर से बिछाने का, ये लगभग 20,000। और इसी का आपने जो एक और खेत लगाया उसमें पौधे की चलने की ग्रोथ की उसमें और इसमें किस प्रकार का फर्क है? उसमें तो इसमें बड़ी कली थी, उसमें तो वो छोटी छोटी कली आती है, उनको हमने बोलते हैं ना मालवी भाषा में छाना में छारी ने बैठा छारी दिखी, हाँ वो कली न, वो कली आपने लगा हाँ वो रखी। लगा रखी। और इसी भी कली आपने एक हाथ प्लाट में और ही नहीं वो तो अपने वो 12 सितंबर को है, 12 सितंबर एक हाथ हाँ महीने का हरक पर फर्क उसके फर्क अंदर है। तो आपको उसमें देखने को मिलेगा। क्या, जैसे अपने चौपाई की वो बारिश आई थी, नदी हाँ नाले उफान पे भी आ गए थे, तो हाँ उसमें थोड़ा फसल को भी नुकसान हुआ था अच्छा, उसमें। तो आपकी फसल काफ़ी अच्छी खड़ी है। 75 से 80 दिन इसको हो चुके हैं, काफ़ी अच्छा हाँ 80 दिन ग्रोथ, नेट हो गए इसको। 80 दिन इसको नेट हो चुके हैं। तो ये पूरा जो प्लाट आपको देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा है, खरा फल हरियाली जैसा माहौल यहाँ पर आकर देखने को मिला किसान भाई से। बहुत मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से और यहीं से जो मल्चिंग की पूरी एक अलग से जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा दोस्तों, ताकि जो भी किसान भाई मल्चिंग पर खेती अगर करना चाहता है तो उसके मल्चिंग के बारे में पूरी डिटेल से मिल जाए। उसकी जानकारी मैं आपको अलग से वीडियो के माध्यम से दूंगा। ये जो प्लाट आज हमें नए ऊटी का देखने को मिला, गुलाबी लहसुन और व्हाइट माल दोनों किसान भाई ने लगाया, सफेद कली भी है और गुलाबी कली दोनों कलियां किसान भाई ने इस्तेमाल किया। अब इसका माल किस प्रकार से निकलेगा मंडी तक अगर पहुंचेगा तो वहां पर आपको मैं जानकारी उसकी जरूर दूंगा कि मल्चिंग पर लगाया हुआ माल मंडी में किस भाव पर बिकता है। तो ये किसान भाई जब भी मंडी में आएंगे तब भी इनसे मुलाकात करेंगे और हार्वेस्टिंग का जो टाइमिंग होगा उसके अनुसार किसान भाई हमें जानकारी देंगे। तो मैं आपको एक बार और उसकी सूचना प्रदान करूंगा कि यहाँ पर जो मल्चिंग किसान भाई ने लगाई तो उसके हार्वेस्टिंग के बाद में इस प्रकार का जो डंठल था वो इसमें लहसुन की साइज इस प्रकार की बनी है। तो उसकी जानकारी हम आपको एंडिंग में जब हार्वेस्टिंग किसान भाई करेंगे तो उसके बाद में हम आपको जानकारी देंगे। ये पूरी तरह लहसुन की एक फर्स्ट क्लास जो क्वालिटी किसान भाई बनाएंगे। काफी ऐसी खुशी आज मुझे यहाँ पर आके भी हुई कि जिस प्रकार का प्लाट पहली बार किसान भाई ने लगाया उसके बाद में इसे अच्छी ग्रोथ लहसुन ने अभी तक जो 80 दिन की हो चुकी है तो इतना अच्छा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है लहसुन का। और ऊँटी दोनों क्वालिटी है दोस्तों यहाँ पर जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, गुलाबी भी है और सफेद कली वाली दोनों माल इन्होंने लगाए। भैया आपने किस रेंज में बिजवारा इसके अंदर लगा रखा है? ये जो लाए थे गुलाबी वाला, ये 34.5 का था, 34.5, और वो सब व्हाइट वाला था 30,500 का। 30,500 का। यानी कि इसके अंदर लगाने से लेकर आपने उसके बीच में कितने दिन सुखाया इस माल को? ये तो लगभग 2 से 2.25 महीने सूख गया था गुलाबी वाला था। 2 से 2.25 महीने। और हाँ इसके लगाने के कितने दिन बाद बाहर आई है लहसुन? ये तो 5 दिन में आ गई बाहर, 5 दिन में आ गई क्योंकि जैसे आपने हमने पांच उसको छह दिन में चुपाई की ना, हाँ 5-6 मजदूर थे, तो इधर से चुपते चुपते उधर गए, इधर तो बस उगने उगने लगी। लग गई। अभी तक 80 दिन हो गया भाई साहब, लहसुन काफी शानदार खड़ी है। और ऐसे ही जिस प्रकार से लहसुन खड़ी है इस प्रकार की साइज भी हमें मिले दोस्तों। और बाजार भी अगर मल्चिंग का है तो काफी अच्छा हमें 1-2 लोट मंडी के अंदर अभी देखने को मिल भी रहे हैं। किस भाव पर मंडी के अंदर क्वालिटी बिक रही है, हालांकि क्वालिटी की तो अभी कमी आ रही है लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा उससे जैसे क्वालिटी मंडी के अंदर देखने को मिलेगी मल्चिंग के किसान भाई शानदार। तो अभी आपने गांव में कोई भी मल्चिंग की खेती किया नहीं नहीं है? बस दोस्तों एंडिंग करते हैं। अब आपको मैं आपको मल्चिंग के स्पेशली जानकारी अलग से पहुंचाने का प्रयास करूंगा ताकि किसान भाई पूरी जानकारी हमें दे और मैं आप सभी किसान भाई को दूं ताकि आप अगर मल्चिंग पर खेती करना चाहते हैं तो कितना खर्चा लगता है, किस प्रकार की पूरी ग्रोथ होती है, उस पौधा किस प्रकार का बनता है और मल्चिंग पे और क्यारी में कितना फर्क होता है वो पूरी जानकारी हम किसान भाई से लेकर आपको अगले वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। नमस्कार, जय जवान जय जय किसान। किसान।